रौनक ठाकुर अध्यक्ष काउकियर एंड कंट्रोल। क्या कुछ घटना है ये? देखिए, घटना बड़ा दुर्भाग्य का विषय, जिन्हें इस भारत की भूमि पे जिन्हें शांति दूत के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जहां 22 वाड़ों के अंदर जो प्रत्येक तरह का गौ मास या अवैध मास को बिल्कुल बंद किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कायराना हरकत को दिखाया और जिस तरह से गौ माता की निर्वक पूर्वक हत्या की गई, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय, और यहाँ के कप्तान साहब को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, जिन्हें शांति दूत और सद्भावनाओं की मीटिंग में बुलाया जाता है, ऐसे लोगों को मीटिंग में न बुलाया जाए। और अगर इस तरह से कहीं भी गौ हत्या होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक एक गौरक्षक अपने आप में सक्षम है, किसी भी स्तर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। किस तरह ये कहाँ किस जगह पकड़ा गया है पूरा? ये डी गेट के ठीक सामने है और मेवाती गली बोलते हैं उसको, वहाँ के पास बिल्कुल मस्जिद के पास पकड़ा गया, जो कि इनका मस्जिद एक केंद्र होता है, ये आस्था का केंद्र होता है। जैसे हमारे मंदिर के पास कोई भी गलत हरकत नहीं होती, लेकिन इनकी मस्जिद के पास जिस तरह से हरकत हो रही है, कहीं ना कहीं इनके धर्म गुरुओं को भी सोचना चाहिए, अन्यथा ये गौरक्षक अपने अंजाम भुगतने वो करने के लिए तैयार है, या अंजाम भुगतने को तैयार नहीं। कितने लोग पकड़े गए? एक व्यक्ति पकड़ा गया, बाकी का जो मेन इनका तस्कर है चांद धौलपुरिया वो भाग गया है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ बोल दिया है, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करने के लिए गौरक्षक तैयार। मौके से क्या क्या बरामद हुआ है? मौके से करीब एक दर्जन के लगभग चाकू और जो दो गाय के पैर और लगभग 50 किलो गौ मांस और एक तराजू और अन्य जो जिसका इनके उपयोग में कार्य में जो आते हैं वो सभी ऑटो में भरा हुआ है। सर, घोषित होने के बावजूद भी लगातार मांस बिक्री हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिएगा, यही मैंने कहा, इन्हें शांति दूत के नाम से जाना जाते हैं अपने, इसीलिए शांति दूत इनको नाम दिया गया, जो कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य, वैसे इनके लिए पाकिस्तान बनाया गया, इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि ये भारत में शांति नहीं रहने देंगे। और ये तीर्थ स्थल घोषित है, जो कि आदरणीय योगी जी के आदेशों की अवहेलना हो रही है, इस विषय पर भी कप्तान साहब को सोचना चाहिए, आके एसपी सिटी को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में गौरक्षक हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी डी गेट में मटिया गेट में ये सूचना मिली थी कि वहाँ गोकशी की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो गोकशी की शिकायत प्राप्त होने पर हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँच के करीब 60 किलो गोमांस बरामद हुआ। एक व्यक्ति जिसका नाम शारून पुत्र राशिद है, उम्र करीब 24 साल, उसकी अरेस्टिंग की गई है, उससे फर्दर इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि इसमें इस काम में कौन कौन उसके साथ संलिप्त हैं, कौन कौन उसके साथी हैं, उन सभी के नाम प्रकाश में ला करके इसमें कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, मौके से क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, मौके से करीब 60 किलो गोमांस बरामद हुआ है, एक बोरे में एक चाकू बरामद हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया, एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है।